नमस्कार, बीआरजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे इस वक्त जो मौसम है वो काफी अटपटा सा है, क्योंकि कहीं तो बिन मौसम बारिश बरस रही है तो कहीं आंधी तूफान आ रहे हैं। ठंड में कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो कभी कभी ठंड में कमी भी देखने मिलती है। और ऐसे में हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। वैसे ठंड के अलावा इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री से भी काफ़ी दहशत मची हुई है। इसके अलावा अन्य कई बीमारियां भी हैं जिसने लोगों को परेशान कर रखा है। इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि हम अपनी सेहत बनाए रखें। और हमारी सेहत बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी पर काम करें। और इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी जब हम अच्छा खाना खाएंगे। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है मुस्कान सूर्यवंशी को। मुस्कान एक डाइट कंसल्टेंट है और साथ ही स्टूडेंट भी है। मुस्कान, बीआरजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू खुशबू जी। तो मुस्कान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ये बीमारियाँ भी इतनी फैली हुई है, ऐसे में लोगों को अपनी सेहत बनाने के लिए जो न्यूट्रिशनिस्ट फूड की ज़रूरत पड़ती है, पहले तो ये बताइए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों के मौसम से हम कई बीमारियों को भी निमंत्रण देते हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, जैसे कि उधरस, खांसी, और ऐसी बीमारियों से कई बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब जूझते हैं। तो खाना, सही न्यूट्रिशन हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा खाना आप खाते हैं वह आपकी हेल्थ पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि विंटर्स मेरा फेवरेट सीज़न है। वह इसीलिए है क्योंकि वह अपने साथ पौष्टिक सब्जियाँ और फलों की बाहर अपने संग लेकर आता है। सब्जियाँ जैसे कि मेथी, पालक, सुआ, और फ्रूट्स जैसे कि आमला और मौसम्बी जैसे जो फल होते हैं, सब्जियां होती है, वह हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वह इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को जो कहते हैं, वह हमारे बढ़ाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करती है। तो इन सब्जियों का सेवन करना, इन फलों का सेवन करना हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी सब्जियां, हरी सब्जियां और काफ़ी अच्छे फ्रूट्स इस मौसम में आते हैं, जिससे कि हर कोई अपनी सेहत और अच्छी बना सकता है। हमारे पास तीन पीढ़ियां हैं, एक तो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है और बुज़ुर्ग है। हर किसी के लिए खाने का जो कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन हर किसी के लिए अलग अलग होना चाहिए, तभी उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों के लिए जो है वो किस तरीके का डाइट होना चाहिए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बिल्ट अप हो। देखिए, अगर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वो बच्चों का एक ग्रोइंग फेज़ चल रहा होता है। तो बच्चों के ग्रोइंग फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका ब्रेन डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास के लिए उन्हें ऐसे फूड्स हमें देने चाहिए जो इसमें उनकी मानसिक जो अवस्था है वह मेंटेन करने में उनको हेल्प रहे, इम्प्रूवमेंट करने में उनको हेल्प करे। तो फूड्स जैसे कि नट्स एंड ऑयल सीड्स, नट्स से मेरे कहने का मतलब है काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, और ऑयल सीड्स से सूर्यमुखी के जो बीज होते हैं, वाटरमेलन सीड्स होते हैं, कद्दू के जो बीज मिलते हैं, वह बच्चों के डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। यह ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो एसेंशियल फैट्स होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, वह पूर्ण तरीके से उनको देता है। इसी के साथ बच्चों को तिल का लड्डू, हमने देखा होगा कि हमारी नानी दादी जब सर्दियाँ आती है तो बड़े स्वादिष्ट तिल के लड्डू बनाते हैं। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। तिल का लड्डू यानी तिल मतलब सेसेमे सीड्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा गुड़ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, तो तिल और गुड़ के लड्डू बच्चों को खिलाना इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बच्चे ऐसे होते हैं कि वह उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति लो होती है, क्योंकि अभी उनका भी ग्रोइंग फेज चल रहा होता है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स उनको देना काफ़ी ज़रूरी है। और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स में मैं यही उनको कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स हैं उन्हें यह कहना चाहूँगी कि उनको विटामिन सी रिच फूड्स जो हैं वह देने की पूरी ट्राई करें। और कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन ये होती है कि हमारे
बच्चे हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं और सब्जियां जैसे कि बीटरूट और शलगम जैसी सब्जियां उनको खानी पसंद नहीं। मैं अभी इसी बात पर आने वाली थी कि ये जो आप कह रही है ये सब बच्चे ज्यादातर खाने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे माँ बाप क्या कर सकते हैं? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब जब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मम्मी हमें ये खाना नहीं पसंद, यह टेस्टी नहीं है, तो इसके लिए हमें ज़रूर आइडियाज़ लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह चीज़ तो हमें बच्चों के डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, बीटरूट की आप रोटी बना सकते हैं। बीटरूट को बस ग्रेट कीजिए और अपने जो नॉर्मल आटा होता है उसका उसमें उसको ऐड करिए और बड़ी टेस्टी बनती है वो, गुलाबी गुलाबी भी दिखती है तो बच्चों को भी थोड़ी अट्रैक्ट करती है, तो इस तरह आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं उनकी डाइट में। ये तो सब्जियों की बात हो गई, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स भी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, जब उनको हम प्लेट में सीड्स रखेंगे, ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, तो वो ज़रूर इनकार करेंगे कि मम्मी ये क्या है, ये तो बहुत ही बोरिंग है। तो वह आप क्या कर सकते हैं कि लस्सी में डाल सकते हैं, छाछ में डाल सकते हैं, सीड्स का पाउडर बना के आप उसको अपनी दालों में डाल सकते हैं, करीज में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, तो इस तरह हमारे लिए आसान हो जाता है कि बच्चे ये सारे फूड्स खा सकें। बिल्कुल, मतलब अगर खाने में ये सारी चीज़ें हम डाल दें तो फिर बच्चों तक उसे पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये तो बच्चों की बात हो गई, अब जो युवा पीढ़ी है उन्हें किस तरीके का न्यूट्रिशन इस वक्त में देना सेहतमंद रहता है उनके लिए? चाहे कोई भी सीज़न हो, हर युवा, हर बच्चे, हर बूढ़े के लिए एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड डाइट से मेरे कहने का मतलब है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में दही या तो छाछ जैसी चीज़ों का जब वो सेवन करते हैं तो उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। बैलेंस्ड डाइट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लाइफ में ऐसा हो गया, बहुत ही भाग दौड़ हो गई है तो अच्छी तरह न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, अच्छी तरह फूड नहीं खा पाते हैं। तो पर इसका ट्राई करना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें एक बार एक मील में तो खाएं, भले आप डिनर में कुछ स्किप कर रहे हैं या तो ब्रेकफास्ट में कुछ स्किप कर रहे हैं, तो ट्राई करें कि आप लंच में ये सारी चीज़ें एक बार एक प्लेट में ज़रूर खाते हैं। और युवा की बात करें तो एडोलेसेंट गर्ल्स जो रहती हैं, यानी कि जो महिलाएं जो 10 से लेके 19 साल की एज ग्रुप में होती हैं, उन्हें पाया अनेमिया की जो बीमारी होती है वह काफ़ी देखी जाती है। अनेमिया को प्रिवेंट करने के लिए मैं जो महिलाएं हैं 10 से 19 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको यह सजेस्ट करूंगी कि वह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर करें और विंटर्स में इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि विंटर्स इसी चीज़ के लिए बने हैं। तो हरी सब्जियां जो आयरन रिच होती हैं, गुड़ वो भी आयरन रिच होता है, उसका सेवन ज़रूर से ज़रूर करें। महिलाओं और युवा पीढ़ी के लिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह दे दी है। तो फिर अब बुज़ुर्गों पर आते हैं। बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्हें कई चीज़ों से उनकी उम्र में परहेज़ भी करना होता है, तो ऐसे में उनके लिए क्या खाना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखो, बुज़ुर्गों की बात करें तो हम जानते हैं कि उनकी पाचन तत्व जो शक्ति होती है वह कम होती है, डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, डायरिया पाया जाता है, या इसीलिए होता है क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो काफ़ी वीक होती है। तो इसमें वह क्या कर सकते हैं कि हल्का खाना खाने की कोशिश करें, जैसे कि खिचड़ी हो गई, दाल हो गया, चावल हो गया, दही हो गई, यह सब चीज़ें खाने की उनको बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सब्ज़ी जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, इसका सलाद वो खाएँ। पर अब कुछ बुज़ुर्गों में यह कंप्लेन होती है कि वह चबा नहीं सकते, तो वो उसको छीन के यानी ग्रेटेड फॉर्म में उसका सलाद खा सकते हैं, या तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप बच्चों को जैसे रोटी में सब्जी डाल के दे सकते हैं, वैसे ही बूढ़े भी उस तरह का खाना खा सकते हैं, और फाइबर रिच फूड खाना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, अब ये तो हमने तीन पीढ़ियों के जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में जान लिया, लेकिन जो सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के डिनर तक का वक्त होता है तो उसमें आप हमें बताइए कि सुबह नाश्ते में, दोपहर को लंच में, शाम को डिनर में किस तरीके से लोगों को खाना खाना चाहिए कि उनकी सेहत बरकरार रहे। आपके पूरे दिन के खाने के जो भी आपका शेड्यूल होता है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, ब्रेकफास्ट जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे मुझे अंग्रेजी कहावत याद आती है कि ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, ईट योर लंच लाइक अ प्रिंस साइज, एंड ईट योर डिनर लाइक अ पॉपर। इसका मतलब है कि डिनर जो है वो सबसे हल्का करें, लंच उससे थोड़ा आप थोड़ा मॉडरेट जा सकते हैं, मॉडरेट खाना खा सकते हैं, पर ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट आपका सबसे हैवी होना चाहिए। तो आप प्रयत्न करें कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच हो। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाने के लिए कठोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आप सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं। जो नॉनवेज ईटर्स हैं वह अंडे का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ पराठे, अलग अलग टाइप के पराठे, अब सर्दियों का मौसम है, सबको मन करता है गरम गरम पराठे खाएं, तो पराठे का जो है आप ब्रेकफास्ट में सेवन कर सकते हैं। लंच में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन में खाने की आप प्रयत्न करें। दूसरा, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लंच में आप सलाद भी खाएं। सलाद खाने से आपका जो फाइबर का जो आपका डेली रिक्वायरमेंट होता है वह पूर्ण हो सकता है। और डिनर सबसे हल्का करने की कोशिश करें, खिचड़ी दाल चावल और छाछ के साथ आप अपना जो है डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब कई बार ऐसा होता है, बच्चे हो चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसी को खाते रहते हैं, मतलब क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन हर चीज़ एक मात्रा में खाई जाए तो ही वो अच्छी या गुणकारी साबित होती है। तो ऐसे में कौन सी चीज़ कौन सी मात्रा में खाई जानी चाहिए, इस बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स मुझे हमेशा यही कहते हैं कि हमने तो ये खाया फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, हम ये कम खा रहे हैं, हम ये ज़्यादा खा रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि हर चीज़ का एक प्रपोर्शन होता है, हर चीज़ की एक मात्रा होती है खाने के लिए। और इसी से मुझे एक और कहावत याद आती है कि कहा जाता है ज़्यादा मात्रा में अगर आप अमृत भी लें तो वह भी जहर हो सकता है। तो सब कुछ प्रपोर्शन में खाना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप एक डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं कि हमें कितना प्रपोर्शन खाना है, तो आपको आपकी डाइटिशियन कहेगी कि चलो आप एक कटोरी चावल खाओ। तो डाइटिशियन का और एक जो क्लाइंट है उसका यह रोल है कि वह अपनी जो हाउस होल्ड मेजर्स है वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। हाउस होल्ड मेजर्स से मेरे कहने का मतलब यह है कि वह अपनी कटोरी का साइज, अपनी रोटी का साइज अपने न्यूट्रिशनिस्ट को बताएं, अपनी डाइटिशियन को बताएं। उस हिसाब से आपकी डाइटिशियन आपको कह सकती है कि आप दो रोटी खाएं, तीन रोटी खाएं, पतली रोटी है तो तीन, मोटी रोटी है तो दो। तो इसी हिसाब से, ये नहीं कि चलो आज हमें फ्लैक्स सीड खाने का मन हुआ क्योंकि वेट लॉस होता है, हमने गूगल किया कि फ्लैक्स सीड से पेट कम होता है और हमने बहुत सारे फ्लैक्स सीड्स खाए, फिर न्यूट्रिशनिस्ट को कंप्लेन करेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो वही बात है कि मात्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किस अमाउंट में आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। मतलब आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चला है उसमें हर कोई गूगल सर्च करके ये जान लेता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो ये बिल्कुल भी प्रिफरेबल नहीं है। उन्हें बिल्कुल आपसे, डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इस बारे में आप कुछ बताइए ताकि दर्शकों को जानकारी मिले कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है, गूगल है, वह काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हो गया है। एक क्वेश्चन टाइप किया और गूगल ने तुरंत हमें आंसर दे दिया। पर मैं दर्शकों को यही समझाना चाहूँगी कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हार्मोनल चेंजेस है, और जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वह सबकी अलग अलग होती है। हर एक इंसान जो फूड खाता है उसका रिएक्शन हर एक बॉडी में अलग होता है। तो जब भी आप गूगल में ये सर्च करते हैं कि इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल आपको आंसर तो दे देगा, बट हो सकता है आप उस चीज़ से एलर्जिक हो या आपको वो चीज़ें सूट ना करें। तो इसी केसेस में आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या खाना सूटेबल है और क्या खाना सूटेबल नहीं है। तब आखिर में मुस्कान, हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स दीजिए कि इस मौसम में और इतने बीमारियों के बीच उन्हें अपना ख्याल किस तरीके से और किस तरीके के खाने से रखना चाहिए। देखिए, क्योंकि विंटर्स का सीज़न है, इस मौसम में डिहाइड्रेटेड रहने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि प्यास काफ़ी कम लगती है। तो हमें कॉन्शियसली ये ध्यान रखना है कि कम से कम हम 8 ग्लास पानी तो रोज़ाना पिए, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड रहने के लिए सीजनल फ्रूट्स का जूस पिए। सीजनल फ्रूट्स, विंटर फ्रूट्स तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मौसम्बी का जूस पी सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं, एप्पल की स्मूदी बना सकते हैं। यह सब जूसेस से आप काफ़ी हाइड्रेटेड रह सकते हैं। दूसरा, विंटर्स में कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि जोड़ों का काफ़ी दर्द होता है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि गोंद का लड्डू, तिल का लड्डू, मेथी के लड्डू का सेवन करें। इससे आपके जोड़ों का दर्द भी काफ़ी कम रह सकता है। थैंक यू सो मच मुस्कान हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए।
तो मुस्कान से हमने आज जाना कि इस मौसम में और इतनी बीमारियों के बीच अगर आपको अपनी सेहत बरकरार रखनी है, इम्यूनिटी बरकरार रखनी है, तो फिर किस तरीके का खाना खाना चाहिए। और क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, अच्छी सब्जियां, अच्छे फल इस मौसम में मिलते हैं, तो आप सब बिल्कुल इस तरीके से अपना डाइट फॉलो करें और ऑनलाइन कुछ भी ना देखें, किसी डाइटिशियन की सलाह लेने के बाद ही कुछ भी करें, लेकिन अच्छा खाना खाएं। और इस वक्त जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा बना हुआ है, ऐसे में हमें एहतियात और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। तो कोई भी गलती ना करें और अपना और अपने परिवारजनों का अच्छे से ख्याल रखें। ऐसे ही कुछ किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।